हेलो गाइस। तो दोस्तों, आज ही प्रगति वर्मा और सौरभ जोशी का साथ में एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है मुझे प्यार हो गया है। तो उनके इसी गाने को हम लोग साथ में मिलकर सुनेंगे, देखेंगे उन्होंने क्या बनाया है। सो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इस गाने का ऑफर मुझे आया था, फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मेरे को सौरभ के साथ काम नहीं करना था, तो मैंने मना कर दिया। तो मेरी जगह इन्होंने प्रगति वर्मा को ले लिया क्योंकि कोई ना कोई लड़की चाहिए थी। बट मेरे को नहीं लगता प्रगति वर्मा एक अच्छा ऑप्शन है मेरी जगह, बिकॉज गाइस देखिए प्रगति वर्मा काफी ज्यादा फेक भी लगती है मुझे, तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। इससे बढ़िया पीरू को लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रगति को ले लिया है पता नहीं क्यों। सो खैर कोई बात नहीं, इनको कोई लड़की चाहिए थी, ले ली, इट्स ओके गाइस। सो हाँ, ये गाना 4 मिनट का है, पता नहीं मैं 4 मिनट तक कैसे झेल पाऊंगी इस गाने को। मेरा बस चले तो इसकी मैं स्पीड बढ़ा दूं और इसको 1 मिनट में खत्म कर दूं, क्योंकि भाई 4 मिनट में तो मैं बहरी भी हो सकती हूं। बट गाइस कोई बात नहीं, मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगी वरना आप बोलेंगे कि जेन्युइन रिव्यू नहीं दिया है मैंने। सो हाँ, मैंने एयरपोर्ट्स लगा लिए हैं एंड लेट्स सी इन्होंने क्या ही किया है इस गाने में। ओके, वॉयला डीजी प्रेजेंट्स। मुझे प्यार हो गया है, इनको रोज ही प्यार हो जाता है हर एक नई लड़की से। अरे इतनी देर हो गई, म्यूजिक ही आता रहेगा क्या भाई? गाना भी तो लेकर क्या है यार, मैं म्यूजिक सुन के ही इतनी बोर हो गई, गाना आ ही नहीं रहा। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी गाइस, लेकिन मैं पहली बार किसी को देख रही हूँ कि किसी ने ग्रीन कलर की जीन्स पहनी है। मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी जो ग्रीन कलर की जीन्स कौन पहनते, ऊपर से लाल टॉप और ग्रीन जीन्स। भाई यार तोता लग रही है ये। अब काम है खुदा का, कॉमेडी के लिए गाना बनाया है कि रोमांटिक गाना बनाया, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को हंसी आ रही है। एक तो इनका म्यूजिक ऐसा है आ करके जैसे भाई शहनाई बज रही हो, और भाई क्या है ये यार, कुछ मुझे तुझसे जोड़ने का अब काम है खुदा का, तू ही जिंदगी से प्यारा। देखो अब ये इनको पेन दे देंगे, फिर प्रगति वर्मा को सौरभ जी से प्यार हो जाएगा, और सौरभ को तो पहले से ही प्यार था, तो इनका ऐसे ही चलता रहता है, कोई स्टोरी ही नहीं है इनके पास। जिंदगी से प्यारा ओ मेरे यार हो गया है, तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है, तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम ले... पूरे कागज वेस्ट किए गए हैं, बेफालतू में कागज उड़ रहे हैं यार। मतलब यार इतना क्यों वेस्टेज कर रही हो, मेरे को समझ नहीं आता। मुझे प्यार हो गया है, तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम लेते लेते। मतलब गोदी वोदी में उठा के घुमा रहे हैं प्रगति को, रोमांटिक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बिल्कुल रोमांटिक लग नहीं रहा है ये गाना। नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है, मुझे प्यार हो गया है। इन्होंने गुलाबी जीन्स पहन ली यार, भाई तो ब्लैक पहन लो, ब्लू पहन लो, लाल, गुलाबी, पीली, हर चीज जीन्स पहन रखी है इन्होंने। तो इतना तैयार हो गए कॉलेज में कौन आता है मुझे पता नहीं भाई, हम तो आज तक इतने तैयार हो गए नहीं गए, पूरे लटे बटे एकदम करके। कुछ नहीं मैंने देखा हर तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और तू है एक तरफ। हाँ, ओ, 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 तेरे जैसा कुछ नहीं मैंने। सौरभ से कुछ और तो होता नहीं है, इनको एक काम दे दिया जाता है कि तुम्हें ना ऐसे करके देखना है सामने वाली लड़की को, तो बहुत ज्यादा क्यूट लगोगे आप और बहुत ज्यादा रोमांटिक लगेगा, तो वो यही करते रहते हैं हर एक गाने में, सबको ऐसे ही देखते रहते हैं। एक तरफ और तू है एक तरफ, तेरा इश्क है एक तरफ, मैं रात का सितारा तू ख्वाब है सुबह का, मुझे तुझसे जोड़ने का अब काम है खुदा का।
तू ही जिंदगी। एग्जाम डे है लेकिन एग्जाम से इनको कोई मतलब नहीं, ये अपना इसको प्रपोज कर रहे हैं कुछ कुछ लिख के कागज के ऊपर। इससे प्यारा ओ तू ही जिंदगी से प्यारा ओ मेरे यार हो गया है तेरा नाम। सर है इनके भाई यार ऐसे सर कौन, ये तो चाय वाय देने वाले लग रहे हैं, इनको सेट पे रखा होगा चाय वाय देने के लिए, फिर सर के लिए तो कोई मिला नहीं होगा, बोल रहे होंगे क्या ही पैसा खर्च करे इसी को रख लेते हैं यहाँ सर के रोल में भाई। लेते लेते हाँ तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया है तेरा नाम लेते लेते हाँ तेरा नाम लेते लेते मुझे प्यार हो गया। लेकिन थोड़ा भी शिकन और दुख नहीं है इन दोनों के चेहरे पे, कितने खुशी से बाहर आ गए हैं, बिकॉज़ यार ऐसा नहीं होता है, थोड़ी रियलिटी तो दिखाओ। किसी को क्लास से बाहर निकालेंगे एग्जाम के टाइम में, हम लोग दुखी हो जाएंगे कि अरे यार एग्जाम छूट गया, फेल हो जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि सच्चाई बिल्कुल है ही नहीं आजकल के गानों में गाइस। ये लड़की खुश हो गई, ये होता है इनके हर गाने में। गाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ना कोई इसमें रोमांस दिखाया गया ढंग का, ना थोड़ा बहुत डांस दिखाया गया, कुछ भी नहीं है यार, खाली पूरे गाने में ऐसे देख रहे हैं और ये पूरे गाने में दांत दिखा के हंस रही है प्रगति वर्मा। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खराब चॉइस है प्रगति वर्मा को लेना, ऑप्शन था वैसे तो ये एक, बट बहुत ज्यादा खराब ऑप्शन था। ठीक है, नीतीश त्यागी जी का गाना है ये, मुझे प्यार हो गया है, और यहाँ पे सबको वो दे रखे हैं। अच्छा तो भाई इन्होंने ना पहले ये लास्ट में आके बोलते थे कि हमारा गाना पसंद आया तो लाइक कमेंट करो, इस बार तो इन्होंने बोला भी नहीं क्योंकि इन्हें पता है किसी को हमारा गाना पसंद नहीं आया होगा तो बोलने का क्या फायदा है ना, और जिनको रोस्ट करना है वो तो रोस्ट करेंगे ही, जैसे कि मैं, बिकॉज गाइस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या बकवास है यार, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए इन लोगों को, ये लोग भाई क्यों ऐसा करते हैं मुझे समझ नहीं आता है, कागज वेस्ट हो रहे हैं गाने में, कुछ हो रहा है गलत चीजें, एंड पूरे गाने में ना कोई रोमांस था, और गाने की म्यूजिक तो भूल ही जाओ भाई, शहनाई बज रही हो ऐसा कुछ था, बहुत ज्यादा मेरे को ठीक नहीं लगा ये, मेरे हिसाब से ऐसी चीजें करना बंद कर देनी चाहिए सौरभ जोशी को, वो हमेशा ही ऐसे गाने बनाते हैं बकवास जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। सो मैं प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ यार, बंद कर दो आप ये सब हरकतें करना, एंड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया गाना गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट।